हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रोफेशनल ब्रशेस की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे प्रोफेशनल ब्रशेस लेने चाहिए। ये सैलून्स वालों के लिए है या जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या अभी नए नए ब्यूटीज में आए हैं, मेकअप आर्टिस्ट में इस लाइन में नए नए एंटर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है ये। वैसे तो सभी देख सकते हैं, सबको कुछ ना कुछ तो सीखने से मिलेगा ही, बट मेन इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ है वो मेकअप आर्टिस्ट के लिए और पार्लर्स वालों के लिए है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रशेस यूज करते हैं प्राइमर। प्राइमर यूज करने के लिए हम लोग ब्रश यूज करते हैं। वैसे तो प्राइमर हम हाथ से भी यूज कर सकते हैं, बट नहीं, हम एक प्रोफेशनल हैं, हम एक प्रोफेशनल लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें प्रोफेशनल चीजें ही यूज करनी चाहिए। तो हम प्राइमर ब्रश यूज करेंगे। मेरे पास जो प्राइमर ब्रश है जो मैं यूज करती हूँ, PSC का है, इसका नंबर 068 है और ये अवेलेबल ऑनलाइन आराम से हो जाता है। इससे हमें जो करना है, कंसीलर लगा के इसको राउंड सर्कल्स में करना है हमें। ठीक है, देन ऊपर की तरफ ले जाना है, राउंड सर्कल की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, सेकंड ब्रश हमारा यूज होता है फाउंडेशन एप्लीकेशन देन कंसीलर एप्लीकेशंस। तो उसके लिए हम एक ही ब्रश यूज करते हैं, ये बॉडी शॉप का है फाउंडेशन ब्रशेस एप्लीकेटर। ठीक है, ये इस टाइप्स का होता है। इसको हमें आगे के टिप से कंसीलर यूज करना होता है ऐसे करके, और फिर उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ डाउन करके मर्ज करना होता है, एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक है, इसके बाद हम फाउंडेशन यूज करते हैं या बेस यूज करते हैं या पैनकेक यूज करते हैं, जो भी हमें यूज करना है वो हम इससे यूज कर सकते हैं। इसको हमने डैब डैब करके यूज किया, पूरे पोर्स में इसको फिल करते हैं। फिल करने के बाद जब हमारी पूरी लेयर मिल जाती है तो उसके हम बफिंग ब्रश यूज करते हैं, नंबर थर्ड हमारा बफिंग ब्रश है। ठीक है, ये PSC का है आपका 004 नंबर। बहुत अच्छा, अमेजिंग है, मैं खुद यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। जब आप इसे बफिंग करते हैं क्लोज एंटी क्लोज में तो आपका बेस एकदम डिफाइन हो जाता है, एकदम फाइन, एकदम एचडी लुक टाइप्स आता है। क्योंकि आपके बेस की ना कोटिंग पे बहुत डिपेंड करता है आपका मेकअप, की केकी ना लगे, पैची ना लगे, तो इससे ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाती है, पूरा प्रॉपर कवरिंग होता है। और इसकी जो शेप है ना, उस शेप की वजह से क्या है कि आप आईज के नीचे भी बहुत आराम से फिल कर सकते हो। इसका कोई भी हेयर आपकी आईज में नहीं जाएगा, क्लाइंट की आईज में इरिटेट नहीं करेगा, बहुत इजीली फाइन काम हो जाता है इससे। ठीक है, फोर्थ हमारा ब्रशेस आता है पाउडर बफिंग ब्रश, जो हमारा कैंडली टाइप्स का होता है। वैसे तो बहुत शेप्स होती हैं इसकी, राउंड्स होती हैं, बिग होती है, स्मॉल्स होती हैं। ठीक है, और ये आती है कैंडल, ये PSC का ही आता है, PSC का 00011 है। ये कैंडल टाइप में होता है। कैंडल टाइप का मतलब क्या कि ये आईज के नीचे भी बहुत इजीली, बहुत सॉफ्टली काम करता है, बहुत केयरफुली काम करता है, आपके ये हर एक कॉर्नर्स में पहुंच जाता है। क्योंकि इसका कैंडल लुक है, आगे से टिप्स है, और टिप्स भी इसकी चुभने वाली नहीं, राउंड सर्कल्स वाली है, जो कहीं पे प्रॉब्लम्स नहीं करती। नोज कॉर्नर्स आपका, लिप्स कॉर्नर आपका, ये अच्छे से फिल करता है। ठीक है, तो पाउडर एप्लीकेशन इससे अच्छे बहुत अच्छे से हो जाती है, उसकी बफिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। देन आपका पाउडर जितनी क्वांटिटी में फेस पर लगना चाहिए सिर्फ उतना ही यूज होता है। फिफ्थ, अब हमारी बात आती है आई शेड्स के ऊपर। हमारा बेस कंप्लीट हो गया, अब हम आई मेकअप करते हैं। तो आई मेकअप में सबसे पहले हम लोग लेते हैं बफिंग ब्रश। जब हम ऊपर बफिंग के लिए, आई शेड्स के लिए यूज करते हैं, तो बफिंग का ये बिग यूज करते हैं। ये भी हमारा कैंडी है, CL923, ये भी PSC का ही है। ठीक है, ये PSC की ब्रांच में मिल जाता है। उसके बाद आता है ये बफिंग का, आई बफिंग जो है, आई शेड बफिंग, ये बिग है, ये मीडियम है, PSC का 397 मीडियम, देन PSC का 227 स्मॉल बफिंग। तो बिग आता है क्रीज लाइंस के लिए, मीडियम आता है नीचे मीडियम लाइंस के, क्रीज लाइंस के लिए, देन स्मॉल आता है कॉर्नर्स लाइंस के लिए, और तीनों के काम क्या है, बफिंग, तीनों ही बफिंग करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम आते हैं शेडोज के ऊपर। तो शेडोज में हमारे पास है बिग, मीडियम, देन स्मॉल। मेरा जो बिग है और मीडियम है ये क्राइलोन्स के हैं। तो क्राइलोन में है 9714 देन 9714, दोनों का सेम है, बस ये लार्ज है और ये मीडियम है। ये मेरा PSC का है स्मॉल, जिसका नंबर 384 है। तो आपको मालूम ही है शेडोज कैसे यूज करने हैं, मीडियम से और लार्ज से और स्मॉल से। ठीक है, उसके बाद हमारे आई शेडोज में दोबारा आते हैं इनर कॉर्नर। हमने आई शेडोज पे काम किया, यहाँ यहाँ और यहाँ। पहले हमने किया क्रीज लाइन पे बफिंग ब्रशेस से,
ऊपर अपर में किया, फिर नीचे मिडल में किया, देन कॉर्नर में किया, तो हमारे ब्रशेस यूज हो गए बफिंग के। उसके हमने आई शेडोज यूज किए। अब हमारा आता इनर, यानी कि अंदर की तरफ वाला कॉर्नर्स, तो उसमें हमारे दो ब्रशेस यूज होते हैं, एक स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल और एक स्मॉल, ठीक है, क्योंकि इनर कॉर्नर की जगह बहुत छोटी होती है, तो हमें ब्रशेस भी उस हिसाब से चूज करने होते हैं। ये भी स्मॉल मेरे पीएससी के हैं, जो स्मॉल वाला है वो 382 है, जो इससे थोड़ा सा बड़ा है वो 383 है, दोनों के नंबर सेम है, सिर्फ 2 और 3 है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे इनर कॉर्नर अपर में और नीचे दोनों तरफ में काम करते हैं। जब हमें नीचे कोई सिल्वर टोन देनी है, गोल्डन टोन देनी है, तो हम वो भी दे सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद आता है हमारा लाइनर, हम लाइनर यूज करते हैं, ठीक है, लाइनर्स के लिए। ये भी पीएससी का है लाइनर, स्लिम लाइनर ब्रश है ये। पीएससी के और भी आते हैं, एंगुलर ब्रश अगर किसी को टेल देना है, कैट आई देनी है, कैट आई जैसे ये है एंगुलर, ये आगे से टर्न होता है थोड़ा सा, ठीक है, इसका नंबर 300 है, तो ये कैट आई के लिए और विंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत अच्छी शेप आती है। अब आते हैं हम स्मजर पे। ये स्मजर है, ये वेगा का नॉर्मल स्मजर ब्रश है, जब हम नीचे लाइनर और काजल दे देते हैं तो उसका शेड्स को स्मज करते हैं, तो ये स्मजर ब्रश है। उसके बाद आते हैं हमारे हाइलाइटर्स। हमने आई शेडोज यूज कर लिया, काजल यूज कर लिया, लाइनर यूज कर लिया, मस्कारा यूज कर लिया, अब हमारे पास आता है एंगुलर ब्रश, जो हमारा हाइलाइटर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। हाइलाइटर्स के लिए हम एक और ब्रश यूज कर सकते हैं, स्मॉल फैन ब्रश, इससे भी बहुत अच्छा एप्लीकेट होता है, हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पिगमेंट गिरता नहीं है। देन एंगुलर से जब हम यूज करते हैं क्रीज लाइंस के साथ काम करते हैं, जब हम फैन ब्रश के साथ काम करते हैं तो मर्जिंग काम करते हैं, और हमें हमेशा शेडोज और हाइलाइटर्स को मर्ज करके रखना चाहिए, तो मर्जिंग वाला काम दी बेस्ट होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई फैन ब्रश ना मिले किसी को, फैन ब्रश जो है वो पीएससी का है 390, देन ये एंगुलर क्राइलोन्स का है, इसको सिर्फ एंगुलर बोलते हैं, इसका कोई नंबर नहीं है, तो इससे आप यूज कर सकते हैं, देन इससे भी यूज कर सकते हैं, दोनों हाइलाइटर्स के लिए यूज होते हैं। एक एंगुलर हमने वेगा का यूज करते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, ये हम आईब्रोज की फिलिंग के लिए काम करते हैं, तो आपको तो मालूम ही है आईब्रोज फिलिंग किस कलर से करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये उसके लिए काम आता है। उसके बाद आते हैं हम कंटूरिंग पर। अगर हमें क्रीम बेस कंटूरिंग करनी है तो हम ये पीएससी का 286 यूज करते हैं, और अगर हमें पाउडरी यूज करना है तो ये भी पीएससी का 318 है, जो मैं यूज करती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ दी बेस्ट है, मैंने बहुत ब्रशेज यूज करे, बट पीएससी के बेस्ट ब्रशेज हैं, वो आराम से आपको अवेलेबल होते हैं, या फिर रियल टेक्निक के, उसके भी बहुत अच्छे ब्रशेज हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्लशन ब्रश, ये भी पीएससी का है 352 का इसका नंबर है, इससे आप ब्लश अच्छे से यूज कर सकते हैं, स्मॉल साइज है, कैंडल लुक है, बहुत ईजिली और बहुत फाइन यूज होता है इससे आपका ब्लश ऑन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइलाइटर, ये हाइलाइटर है चिक्स हाइलाइटर्स, शाइनर हाइलाइटिंग के लिए, देन नोज हाइलाइट करने के लिए, ये भी पीएससी का है 131, और इसकी शेप भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम यूज करते हैं लिप पर, ये मेरा लिप पर ब्रश है, ये मेरा वेगा का है नॉर्मल ब्रश है लिप फिलर, इससे आप अच्छी फिलिंग कर सकते हैं, और स्मॉल है, इसकी शेप आप देख सकते हैं बहुत स्मॉल है, बहुत शार्प है आगे से फ्रंट से, और ये बहुत सॉफ्ट है, देखो ये आराम से बैंड भी हो जाता है, और हमें हमेशा लिप फिलिंग के लिए सॉफ्ट ही यूज करना पड़ता है। अगर हम हार्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, लिप फिल अच्छे से लिपस्टिक जो होगी वो लिप पे अच्छे से फिल नहीं होगी, कहीं होगी लिप से बड़े क्रैक्स होते हैं, तो वहां सॉफ्ट वाला जो होता है वो बहुत अच्छे से उसको फिल कर देता है, सेटल कर देता है, ठीक है गाइस। ये हमारे हो गए ब्रशेज का काम, और एक ब्रशेज आता है हमारा फैन ब्रश सबसे बड़ा, जो हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कहीं गिर गया, सपोज गलती से गिर गया या आई शेड्स गिर गया, तो हम इसके ऊपर लूज पाउडर लगा के उसको क्लीन आउट कर सकते हैं, तो हमारा फैन ब्रश ये जो बड़ा होता है बिग होता है, ये हमारे जस्ट एक्स्ट्रा हमारे वर्क को क्लीन आउट करने के लिए होता है, ठीक है गाइस, ये हमारा डन हो गया। एक चीज आपको ब्रशेज के साथ मैं नया बताती हूँ, जो ये है ये ट्रे है और एक स्पून है, ठीक है, ये हमारे बेस को मर्ज करने के लिए, जब भी हम बेस लगाते हैं तो कभी भी डायरेक्ट बेस को फेस पे मत यूज कीजिए, पहले आप ट्रे में लीजिए, उसको मर्ज कीजिए अच्छे से, और उसके बाद एप्लीकेट कीजिए, तो उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट होगी और आपका बेस बहुत फाइन बनेगा, ठीक है गाइस। इसके बाद एक एक्स्ट्रा ब्रशेज आपके पास हमेशा होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए बताती हूँ, ये ब्रश जो है ये टूथब्रश के नाम से होते हैं, ठीक है, मेरे पास ये हुडा ब्यूटी का सबसे बिग साइज है, वैसे तो मेरे पास पूरा ही सेट है, बट मैं सबको छोड़ के आपको इसके बारे में बता रही हूँ अभी। ये लास्ट काम करता है, सपोज आपने बेस बना लिया, मेकअप कर लिया, लिप पर हो गया,
अब क्लाइंट ने क्या किया, उसने थोड़ा सा इचिंग कर लिया, उसने थोड़ा सा नेल्स मार दिया चीक्स पे, नोज पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पोर्स क्लोज होने की वजह से फाउंडेशन लगने से थोड़ा सा इचिंग होना शुरू हो जाता है, तो वो क्लाइंट उसको रेस्ट कर देता है, उसको स्केच कर देता है, तो वहां से एक लाइन बन जाती है। अब वहां पर आप दोबारा से कुछ ब्यूटी ब्लॉन्डर या वो पफ लेकर या ब्रशेज लेके, ब्लेंडिंग ब्रश लेके दोबारा यूज करोगे तो क्या होगा, वो पाउडर्स के अंदर मर्ज हुआ है, अब वो केकी फॉर्म बन चुका है। अब वो केकी फॉर्म फाउंडेशन को जब भी आप छेड़ोगे तो क्या होगा, एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और उसको वहां से खाली हो जाएगा। तो ये ब्रश उस जगह पे बहुत काम करता है। सपोज आपने पैनकेक भी लगा दिया है, सी लॉक कर दिया है, फिर भी यही ब्रश आपके पूरे इसको जो स्क्रैच पड़ गया है, जो नेल्स का स्क्रैच दिख रहा है, फाइन दिख रहा है, उसको ये उसको इक्वल कर देगा और फाइन कर देगा और पता भी नहीं चलेगा कि वहां पे एक नेल्स लगा था। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी ये वीडियोस, मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। हर एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए जो रनिंग है, अभी चल रहे हैं, जो नए एंटर कर रहे हैं इस लाइन में सैलून्स वालों के लिए, प्लीज आप जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट्स लिखिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू, बाय गाइस।